हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केदारकंठा विंटर ट्रैक की। दोस्तों, अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे पॉपुलर जो विंटर ट्रैक है, जो इजी भी है, इजी इजी मतलब से इजी टू मीडियम में आती है वो ट्रैक, और जिसको बहुत खूबसूरत ट्रैक है। और मतलब तकरीबन मैक्सिमम जो भी विंटर ट्रैक, जो भी स्नोफॉल महसूस करना चाहता, बर्फ़ देखना चाहता, पहाड़ी पर चोटी बिल्कुल बर्फ से भरी पहाड़ देखना चाहता, तो उसके लिए केदारघंटा ट्रैक सबसे बढ़िया ट्रैक है, सबसे आसान ट्रैक है और सबसे इजी टू एक्सेस ट्रैक है। तो ये दोस्तों बता दूं, केदारघंटा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं कि इसमें इसकी पूरी जो ट्रैक की जो आइटनरी होती है क्या होती है, और क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और कैसा पूरा क्या रहेगा, आप कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे वहाँ तक आपको बेस कैंप तक पहुँचना है, तो इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी मिलेगी केदारघंटा ट्रैक से। अगर आप प्लान कर रहे हैं और अगर आप जाना चाहते हैं विंटर ट्रैक के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा गाइड साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वो केदारघंटा विंटर ट्रैक के बारे में। तो गाइस बता दूंगा, ये जो केदारघंटा विंटर ट्रैक के लिए जो है, इसके लिए तकरीबन 5 से 6 दिन चाहिए आपको। ये मैं आपके घर से दूरी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अगर आप जब बेस कैंप पहुँच जाते हैं, मतलब आप अगर सबसे चलिए बताओ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों केदारघंटा जाने के लिए सबसे पहले आपको, आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो तो आपको देहरादून पहुंचना पड़ेगा। तो ये सबसे बढ़िया है, अगर है आप कहीं पे भी आप रहते हो तो आप देहरादून पे आपको रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ी दूरी पर एयरपोर्ट भी है और तकरीबन बसेस भी कनेक्टेड है। अगर आपको देहरादून से अगर डायरेक्ट आपकी आपके एरिया से अगर देहरादून पे डायरेक्ट ट्रेन या ऐसा कोई बस नहीं मिल रही तो आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से फिर कई सारे जो रोडवेज बसें, वोल्वो बसें, वो दिन भर चलती है, ओवरनाइट भी चलती है, तो आप उसके थ्रू पहुंच के आपको देहरादून आ जाना है। अब देहरादून से आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी एजेंसी के थ्रू बुक करते हैं। कई सारी एजेंसी आपको सीधा देहरादून से ही पिकअप करती है और कई सारी एजेंसी आपको सीधा सांकरी बेस कैंप बुलाती है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ कौन सी एजेंसी बुक कर रहे हो, तो वो आप पहले पता कर लीजिए कि आपको कहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। तो मोस्टली अगर वाईएचआई से कर रहे हो तो आपको वो मसूरी में रिपोर्ट करना पड़ता है। तो देहरादून से आप उतरेंगे, देहरादून से वहाँ पर आप बस स्टैंड जाइए और बस स्टैंड से आपको डेली वहाँ पे हर कुछ घंटे में, आपको आधे घंटे में वहाँ मसूरी के लिए बस मिलती है, बस में बैठ जाइए और आपको मसूरी वो ड्रॉप कर देंगे। मसूरी से पहले ही वाईएचआई का जो हॉस्टल है वहाँ पर आपको, यूथ हॉस्टल है वहाँ पर आपको ड्रॉप कर देंगे। अगर आप कोई प्राइवेट एजेंसी से कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होता है कि अगर आपको, अगर वो देहरादून से पिकअप कर रहे हैं तो बढ़िया है, वो आपको पिकअप कर लेंगे और आप बस या फिर आपकी प्राइवेट व्हीकल जीप या आपकी कार से आपको सांकरी बेस कैंप मिल जाएगा। अगर आपको उन्होंने सांकरी बेस कैंप बुलाया तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि फिर आपको क्या होगा, क्योंकि बस आपको पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि देहरादून से सांकरी बेस कैंप पहुँचने के लिए आपको तकरीबन पूरा, मतलब पूरा दिन ही लग जाता है। मॉर्निंग में आप चलते हैं और तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, तो पूरा दिन चला जाता है, काफ़ी तकलीफ सफ़र होता है ये पूरा, लेकिन बहुत खूबसूरत भी होता है ये देहरादून से सांकरी का सफ़र। तो आप जरूर प्लान करें, आप देहरादून बस स्टैंड पे जाइए, वहाँ से आपको बसेस भी मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप वहाँ पे प्राइवेट व्हीकल भी हायर कर सकते हैं। अगर वहाँ पता करेंगे तो आपको कई सारी ऐसी जो कार वाले होते हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, जो जिनको डेली ही वो विंटर ट्रैक के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे और डेली वहाँ पे उनका आना जाना लगा रहता है, तो आपको सस्ता भी पड़ जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि यहाँ से हम जाएंगे आपको वहाँ पे सांकरी बेस कैंप छोड़ देंगे, वापस रिटर्न में उनको क्या होगा कि वहाँ पे सांकरी बेस कैंप से वापस आपको जो आने वाली जनता है जिन्होंने ट्रैक खत्म कर दिया है उनके लिए गाड़ियाँ मिल जाती है। तो गाइस बता दूं मैं, जो आप विंटर टाइम में आप सर्दियों टाइम जा रहे हैं तो ये जो जो ट्रैक होता है ये थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड हो जाता है। अगर विंटर, अगर जो स्नोफॉल है वो हेवी हो रखा होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाती है। तो आप बेटर है कि आप पहले से प्रिपेयर करके जाए, तो उसे एक्सरसाइज वगैरह पूरा करके जाए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। और मैं आपको टेम्परेचर बता दूँ, टेम्परेचर -12 तक भी जा सकता है टेम्परेचर रात के टाइम पे। तो ये हमने नोट किया है, हमने 12 -12 हमने खुद पर्सनली हमने थर्मामीटर चेक किया, तो टेम्परेचर जब मैं गया था तो उस टाइम -12 था और मैक्सिमम आपको 5 से 10 डिग्री तक आपको मिल जाएगा। तो गाइस इसकी जो जो केदारघंटा का जो समिट है वो, उसकी जो हाइट है वो, उसका जो एल्टीट्यूड है वो 12,500 फीट के करीब है, तो काफ़ी हाइट है, काफ़ी ऊंचाई है, वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि 8,000 के ऊपर के बाद आप 8,000 फीट से जो भी ऊपर की आप बात कर रहे हो वहाँ पे फिर आपको हर
हर मीटर पे आपको क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। तो 12,500 फीट काफी ऊंचाई होता है, तो दोस्तों आप फिजिकली फिट होना चाहिए, आपको बता दूं मैं। तो आप चलिए आप शुरू करते हैं कि आप क्या होता है कि आप सांगवी बेस कैंप पहुंच गए। आप तो आप नॉर्मली आपको क्या होता है कि आप 4-5 बजे करीब ही पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आप नाइट स्टे करेंगे वहाँ पर। आपका जो भी जिस एजेंसी भी बुक किया होगा वहाँ पर उन्होंने रहने के लिए इंतजाम आपका कर रखा होगा, या तो टेंट में कर रखा होगा या फिर जो छोटे वहाँ पे लॉज होते हैं उनमें कर रखा होगा। तो आप क्या होता है कुछ एजेंसियाँ होती है वो क्या करती है आपको वहाँ पर एक दिन आपको एक्लिमेटाइज करने के लिए एक दिन आपका आराम कराती है वहाँ पर, और कुछ एजेंसियाँ जो प्राइवेट एजेंसियाँ होती है वो नेक्स्ट डे से ही चालू करा देती है ट्रैक। तो डिपेंड करता है आप कार कौन से इससे बुक कर रहे हो, अगर आप फिजिकली फिट है और आपने कई सारे ट्रैक पहले कर रखी है तो आप नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर है और आपको इतना आइडिया नहीं है ट्रैक का तो मेरी मानिए तो आप एक दिन आप ऑफ लीजिए, नेक्स्ट डे आप एक्लिमेटाइज लीजिए हुई है वहाँ पर क्या है पूरे जो वादिया, बिल्कुल टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल पूरा माहौल वगैरह सब कुछ चेंज रहता है। तो वहाँ पर आप एक्लिमेटाइज हुई एक दिन पूरा, क्योंकि आप इंडिया के किस पार्ट से, अगर आप साउथ से आ रहे तो आप साउथ से दिल्ली आने तक, फिर वहाँ से देहरादून आने तक, देहरादून से सांगरी बेस कम आने तक काफ़ी लंबा सफ़र तय कर रखा होता है, तो आप थोड़ा थके हुए भी होते हैं। तो बेटर है कि आप रेस्ट कर लीजिए एक दिन, आराम लीजिए। तो आप एजेंसी से बात करके रखिए पहले ही कैसा उनका आइटिनरी रहता है। नॉर्मल मैं जब गया था वाई चाय से गया था तो उन्होंने एक दिन का हमें आराम दिया था, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं तो एक्लिमेटाइज होने के लिए उनको एक दिन दे रखा होता था। उस दिन वो खाली वहाँ पे आसपास घूम सकते हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सीनरी मिलेगी, वहाँ पे नीचे आप जाओगे तो नदी भी बहरी होगी, तो आप घूम सकते हैं इधर उधर पूरा दिन आप पास कर सकते हो। आप छोटा सांगवी छोटा सा गाँव है, वहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ ट्रैकिंग से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें होंगी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, शूज़ हो गए और जो ट्रैकिंग पोल होता है ये प्रोफेशनल नहीं होगा लेकिन वो भी मिल जाएगा, और बैग वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो वहाँ पे लोग वहाँ के जो गांव वाले हैं वो इन सब चीज़ें रखने लग गए। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं आपका अगले दिन पूरा वो एक्लिमेटाइज हो रहे हैं, आप घूम रहे फिर रहे, फिर आपका क्या होगा नेक्स्ट मॉर्निंग से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। तो मैं दोस्तों बता दूँ जो आपका जो केदारघंटा का जो ट्रैक है इस पर आपका 3 आपको इस पर कैंप मिलेगी। आप एक तो हो गया आपका सांगरी बेस कैंप, एक दूसरा आपका जो बेस कैंप होगा वो है जूड़ा का तालाब के आसपास होगा, और तीसरा जो आपका होगा वो बिल्कुल टॉप पर होगा। वहाँ से फिर वो जो कैंप है वहाँ से आप समिट के लिए स्टार्ट करते हैं और वापस बैक टू उसी कैंप में आ जाते हैं, समिट फतेह करके आप वापस उसी कैंप में आ जाते हैं। तो ये 3 कैंप रहते हैं वहाँ पर आपको। तो आप मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे जूड़ा की तालाब की तरफ आप चले गए, आप जैसे जैसे ऊपर चले गए आपको बर्फ मिलने लग जाएगी, अगर आप लकी हुए तो आपको स्नोफॉल मिल जाएगी। मैं काफ़ी लकी था दोस्तों कि मैं जैसे ही हमने ट्रैक स्टार्ट किया आधे घंटे के बाद बारिश स्टार्ट हुई और बारिश के बाद फिर स्नोफॉल चालू हुई, और स्नोफॉल होता था दोस्तों मैं खूबसूरती का बयान नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत ट्रैक हो जाता है ना, इतना प्यारा लगता है। हालांकि ट्रैक थोड़ा सा हार्ड हो जाता है लेकिन दोस्तों खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, हम इसी के लिए ही केदारघंटा ट्रैक आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप जाइएगा क्योंकि वहाँ पर एंड में मैं आपको बताऊँगा क्या क्या आपको गियर की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप ट्रैक करते 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 जाएंगे, जो पहला जो ट्रैक फर्स्ट जगह ट्रैक है वो काफ़ी हार्ड है दोस्तों, काफ़ी आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, और चढ़ाई मतलब आज तरह से सीढ़ियों की तरह होती है, आपको टक 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 करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो आपको थकान होगी क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इसका आइडिया भी नहीं होगा। तो आराम से चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ईजिली आप पहुँच जाएंगे जूड़ा तालाब। आप आराम से 2-3 बजे तक आप जूड़ा तालाब पहुँच जाएगा, फिर वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कीजिए, आसपास घूमिए, फोटो खींचिए, बहुत अच्छा सीनरी रहेगा पूरा। आपको बड़े बड़े पाइन ट्रीज मिलेंगे, उनके ऊपर बर्फ गिरी होगी और चारों तरफ बर्फ आपको मिलेगी, आपके कैंप के चारों तरफ बर्फ मिलेगी। फिर आप वहाँ पर रात को खाना वाना खा के सो जाइए। नेक्स्ट दिन हम फिर जूड़ा के तालाब से निकलेंगे लोहासू बेस कैंप कहते हैं उसे, जो आखिरी हमारा जो कैंप रहता है लोहासू कैंप की तरफ हम निकलेंगे। तो ये सफ़र काफ़ी ईजी रहेगा आपके जो फर्स्ट डे के मुकाबले, काफ़ी इजी रहेगा, इजीली आप वहाँ लोहासू कैंप तक पहुँचेंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे आप क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम रहेगा। आप बिल्कुल पाइन के ट्रीज में होते हुए जाएंगे और काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, और आप खुद अपने आप में फील करेंगे कि आप पहले दिन से ज़्यादा बेटर आप ट्रैक कर रहे हैं, और अच्छा है आप जितना हो सके उसके जो नेचर को एंजॉय करें, उसमें अपने बॉडी को उसमें डालने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपका जो समिट वाला
जो पार्ट होगा वो काफी हार्ड होने वाला है। तो आप लोहासू कैंप तक पहुंच जाएंगे, वहां पर फिर आप घूमिए फिरिए। और मैं दोस्तों में बता दूं, लोहासू कैंप जोड़ा का तालाब, लोहासू कैंप में एक बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा। जो जोड़ा का तालाब है वो पाइंस ट्री, बड़े बड़े ट्रीज है उनके बीच में बसा हुआ, तो वहां पर आपको ठंड कम लगेगी दोस्तों। भले स्नोफॉल हो रहा होगा लेकिन फिर भी आपको ठंड कम लगेगी। लेकिन जैसे आप लोहासू कैंप पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होता है कि वो ट्री लाइन से ऊपर है जो कैंप है, तो वहां पर क्या होता है कि ट्रीज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हिमालय के एकदम टॉप पे आ जाता है और चारों तरफ वादियां खुली हुई है। आपको वहां पे बड़े बड़े आपको पहाड़ दिखेंगे, तो वहां पे क्या चेंजेस आ जाता है कि वहां पे हवा चलने लग जाती है दोस्तों। तो हवा जो चलती है वो काफी खतरनाक होती है, क्योंकि जो ठंड का आप असली मजा है ना वो आप लोहासू कैंप में पहुंच के ही आपको मिलेगा। काफी ज्यादा ठंडक होगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हम आपके जो टेंट है उससे बाहर ही ना निकले। खाना करना ये बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है कि आप फटाफट खाते हैं वो कैंप के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि बहुत खूबसूरत है, आप कोशिश करिए कि बाहर आप निकले और आप फोटोग्राफी वगैरह करें। अगर बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो आप दोस्तों रिस्क मत लीजिएगा, कैंप टेंट के अंदर चले जाइएगा। तो आप वहां पर खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये लोहासू कैंप है, आपको आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप टेंट में जाके सो जाइएगा, क्योंकि जो हमारा जो समिट के लिए जो हम स्टार्ट करते हैं वो आपको रात को दो बजे उठना पड़ेगा और 3 बजे तो हम कैंप टेंट को छोड़ देंगे और समिट के लिए चढ़ाई चालू कर देंगे। तो दोस्तों इसलिए बेटर है कि आप सो जाइए, जल्दी से जाके रेस्ट लीजिए, क्योंकि 2 बजे आपको रात को उठेंगे हम, फिर 2 बजे से 1 घंटा आपको मिलेगा पूरा, जो भी आपको फ्रेश होना है, करना है, तैयार होना है, बैग पैक करना है और नाश्ता करना है, और फिर हम 3 बजे चालू कर देते हैं हमारी समिट के लिए चढ़ाई। दोस्तों आप टेंट लीव होने से पहले आप चेक कर लीजिए, जितना लाइट हो सके उतना लाइट पैक कीजिए, क्योंकि आप हम समिट पे जाएंगे, समिट के बाद वापस उसी जगह पर हम वापस रिटर्न करेंगे। तो आप जो भी अपना जो अगर जो एक्स्ट्रा सामान है आप साथ ले गया है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसको हम आप टेंट में छोड़ दीजिए। तो हम तकरीबन 3 या 4 बजे, डिपेंड करता है कि एजेंसी के ऊपर, आप वहाँ से हम समिट के लिए चढ़े चले गए। दोस्तों जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको समिट पे आप सनराइज से पहले पहुंचेंगे और आपको समिट पे सनराइज देखने का मौका मिलेगा। सनराइज बहुत खूबसूरत होने वाला है, इसको मिस मत करिएगा। जितनी जल्दी हो सके आप टेंट से लीव करिए और समिट लिए चढ़ाई चालू करिए, क्योंकि समिट का जो आपकी जो ट्रैक होने वाली है सबसे टफेस्ट होने वाली है। शाम आपको चढ़ाई चालू करनी पड़ती है तो ये काफी टफ होने वाला है। दोस्तों जितनी जल्दी हो सके कैंप को लीव कीजिए, 3 से या 4 बजे के बीच में आप वहाँ से टेंट लीव करेंगे। धीरे 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 आपको सबको पीछे पीछे आपको समिट की तरफ धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। अब जिस जिस ऊपर जाएंगे ट्रैक हार्ड होता रहेगा, आप देखिए कि आपके शूज वगैरह स्लिप कर रहे, कई सारी चीजें होगी, तो ये आप धीरे 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 करते करते आप समिट पहुंच जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप समिट पहुंचेंगे वहां पर काफी हाई टेल, ज्यादा आप दौड़िएगा करिएगा नहीं, आप सांसें लीजिएगा, जोर जोर से सांस लीजिएगा और आपकी जो खूबसूरती है उसको निहारिएगा, फोटोग्राफी करिएगा। और जैसे ही सनराइज होगा तो दोस्तों आपका मैं बता नहीं सकता, आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं सनराइज कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ऐसा सनराइज आपको टॉप पर मिलेगा। तो आप सबमिट करेंगे वहाँ पर, हम तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा हम वहाँ पर बिताएंगे और फिर करेंगे हम आपको वापिस नीचे उतरने के लिए, हम वापिस रवाना हो जाएंगे। चढ़ते हुए वो डिफरेंट रूट रहेगा, उतरने का रूट है वो डिफरेंट रहेगा। तो दोस्तों मेरा जो वो एक्सपीरियंस कहता है कि जो चढ़ना है वो इजी लगा मुझे और उतरना मुझे काफ़ी हार्ड लगा। तो दोस्तों इसका रीज़न बताता हूँ कि मेरे पास जो गियर थे, जो मेरे जो शूज़ वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो मेरे को अच्छा टेक्शन मिल रहा था, तो मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हुई, तो मैं इजीली समिट पार कर गया। लेकिन जब हम उतर रहे थे तब क्या हो गया था कि क्योंकि जो दोस्तों जो चढ़ते जिस तरफ होता है तो वहाँ पर क्या सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जो आपकी जो स्नो होती है वो नॉर्मली वो चिकनी हो जाती है, तो वहाँ पर आपको जो कदम रखना ही करना जो हार्ड सरफेस मिलता है आपको। लेकिन जब उतरते हैं तो वहाँ पर क्या नॉर्मली धूप इतनी तेज नहीं पड़ती, तो वहाँ पर जो पाउडर स्नो होता है, तो पाउडर स्नो में अगर आपको जिसको भी आइडिया होगा तो पाउडर स्नो में चलना काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी थका देने वाला होता है। तो आप जब आप उतरते हैं ना तो आपको पूरा वहाँ पर पाउडर स्नो मिलता है, तो उस वजह से मेरे को थकान ज़्यादा होगी थी, क्योंकि जैसे आप पाव रखते थे आपका पाव 1.5 फीट आपके बर्फ के अंदर धंस जाता था, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी उतरने के लिए, क्योंकि हर बार पाव धंस रहा था और फिर आप पाव निकालते फिर करते फिर उतरते तो काफ़ी हार्ड हो जा रहा था, कि मैं बहुत खतरनाक तरीके से थक गया था। हालांकि कुछ लोगों ने शॉर्टकट भी किया था, वो क्या करते थे वो स्किप कर गए,
स्किप करके आराम से बैठ के रिपस पट्टी में जैसे रिपसते वैसे रिपसते हुए नीचे चले गए। वो पोस्ट हो गए नीचे, लेकिन पेंट वगैरह फाड़ दिए। तो दोस्तों अगर आपके पास आपका जो लोअर है वो अगर आपके एक्सपेंसिव है तो आप स्किप मत करिएगा। अगर हाँ सस्ता है आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ नीचे टेंट में तो आप स्किप करके जा सकते हैं। मेरे पास जो लोअर था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था दोस्तों, केचुआ का था, तो मैंने वो रिस्क लिया। मैं धीरे 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 करके नीचे उतरा और नीचे हम तकरीबन 9-10 बजे करीब हम वापस टेंट में आ जाते हैं। फिर वहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो वहाँ पर तब तक मैंने अपने जो मोजे होते हैं वो एक्चुअली कुछ धंसने की वजह से जो स्नो जारी थी मेरे शूज़ के अंदर उस वजह से थोड़ा सा गीले हो गए थे। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पर अपने मोजे वगैरह सुखाए, खाना वगैरह खाया, अपना जो बैग है वो पैक करा और फिर हम चालू कर देते हैं कि हम वापस जो सांकरी जो गाँव है दोस्तों हम सीधा वहाँ के लिए हम उतार के लिए सीधा वहाँ जाते हैं। अब जब हम उतरते हैं ना तब हम जूड़ा के तालाब नहीं जाते, हम सीधा के सीधा सांकरी बेस कैंप चले जाते हैं। तो क्योंकि उतारना होता है और काफ़ी ईजी रहता है जो ट्रैक, तो इस वजह से वो दिक्कत नहीं होती है। तो हम वापस तकरीबन 2 बजे करीब हम उतरन चालू कर रहे, 4-5 बजे करीब हम सांकरी बेस कैंप पहुँच गए। तो फिर सांकरी बेस कैंप के आप जाके वापस आपकी एजेंसी ने आपके लिए रुकने के लिए इंतजाम किया होगा। अगर आप उतना नहीं चाहते, अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि आप है ना वहाँ पर कई सारे आपको जीपें आपको मिलेगी। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप सीधा एक जीप को बुक करिए और आपके साथ देहरादून के लिए निकल जाइए। हमने भी ऐसे ही करा था, हमने तकरीबन 1-2 बजे करीब हमने स्टार्ट किया था, हमने जीप पकड़ ली थी और हम तकरीबन 8-9 बजे करीब हम देहरादून पहुँच गए थे। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपको रात को अगर कोई बस अगर देहरादून बस या ट्रेन देहरादून की है आपकी तो वो आप पकड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या किया था कि मैंने रात में एक ही जो लास्ट राजस्थान के लिए जो बस थी वो बस वो तकरीबन 8-9 बजे करीब कुछ थी वो लास्ट थी, उसके बाद फिर कोई गाड़ी नहीं थी। उसके बाद या तो आप दिल्ली जा सकते हैं या फिर आप देहरादून में स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप निकलिए। तो जो भी है आप पहले पता कर लीजिए कि आपकी सबसे आखिरी जो बस है जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं वहाँ की वो अवेलेबल है कि नहीं। तो हम पहुँच गए थे तकरीबन 8-9 बजे जो उतार होते हैं तो उस वजह से काफ़ी फटाफट लेके आ रहे थे चढ़ने के मुकाबले। तो हम जिस जो हमने कार बुक करी थी वो काफ़ी ट्रेन था तो उसने फटाफट हमें लेके आ गया। तो बस अब निकलने वाली थी, उससे पहले मैं वहाँ पर देहरादून पहुँच गया और बस में बैठ के मैंने अपना और फिर राजस्थान के लिए सफ़र चालू कर दिया, जयपुर आ गया था। तो दोस्तों ये था पूरा केदारघंटा ट्रेक का जो सफ़र था, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। जो आपको मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में, आपको जाना है देहरादून पहुँचना है, जहाँ से भी पूरे इंडिया में कहाँ से भी आ रहा हो देहरादून आपको ड्रॉप करना है। वहाँ से फिर डिपेंड करता है कि जो भी एजेंसी है वो आपके लिए अरेंजमेंट कर देगी गाड़ी का। वहाँ से हम सांकरी बेस कैंप जाएंगे, सांकरी बेस कैंप में हम एक दिन स्पेंड करेंगे, फिर हम वहाँ से ट्रेकिंग चालू करेंगे जूड़ा का तालाब में हमारा एक नाइट का स्टे होगा। फिर हम जाएंगे लहासू में एक नाइट का स्टे होगा। फिर हम रात को ही हम सबमिट करेंगे, उसी दिन सबमिट करके वापस लहासू कैंप पर आ जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम सीधा सांकरी बेस कैंप वापस रिटर्न आ जाएगा उतर के। तो ये ट्रेक पूरा कंप्लीट हो गया ये आपका दोस्तों। तो अब मैं आपको बता दूँ क्या क्या आपको गियर रखने हैं, क्योंकि विंटर ट्रेक है तो लोग कुछ पता नहीं होता है, बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसे स्पोर्ट्स शू जो होते हैं उसमें आ जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके प्रॉब्लम फेस करते हैं। दोस्तों आपके लिए प्रॉपर ट्रेकिंग शू होना बहुत जरूरी है वहाँ पर, क्योंकि जब आप समिट चढ़ते हैं तो ट्रैक्शन मिलता नहीं है वहाँ पर। तो जितने भी स्पोर्ट्स शू वाले वो बस रिपसते जा रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी उनको। मेरे पास प्रॉपर ट्रेकिंग शू थे, उससे मैं आराम से मुझे ग्रिप मिल रहा था और मैं इजीली चढ़ पाया था। मेरे पास केचुआ का जो ट्रैकिंग शू, अगर आप उसका रिव्यू लिखना चाहते हैं तो नीचे मैंने ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे रहा हूँ मैं, वहाँ पर मैंने पूरा रिव्यू लिख रखा है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो दूसरी आपको सबसे पहला हो गया आपका ट्रैकिंग शू। नेक्स्ट हो गया आपके मल्टीपल आपके शॉक्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप उतरेंगे तो आपके शॉक्स गीले हो सकते हैं, तो गीले शॉक्स पहनना वहाँ पर आपकी काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप मल्टीपल आपके शॉक्स रखिए। नेक्स्ट आपका हो गया ट्रैकिंग पोल। दोस्तों ट्रैकिंग पोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्या हमको काफ़ी एक सपोर्ट मिलता है जब हम ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग पोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको 30-40 रुपये में वहाँ आपको गांव वाले लकड़ियाँ देते हैं, हालांकि वो कम्फर्टेबल नहीं होता लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं। मेरी आप बात मानिए तो आप ट्रैकिंग पोल साथ में लेके जाइए। नेक्स्ट आपका होता है लाइट लेके चलिए। दोस्तों वहाँ पर बड़ी दिक्कत है लाइट की, अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आपका टेंट में भी अंधेरा रहेगा, टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है करना पड़ता है तो वहाँ पे भी अंधेरा होता है। और दूसरी बात है कि समिट हम रात को 3-4 बजे चलते हैं तो अंधेरे में चलेंगे,
अगर आप अगर आपके पास टॉर्च वगैरह ऐसा नहीं होगा तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी समिट चढ़ने में। दोस्तों मेरे पास दो दो मेरे पास टॉर्च भी थी और प्लस मेरे पास जो एक जो टेंट में लगाने वाला लैंप था वो भी था। अगर आपके पास हेड लैंप हो तो वो बेटर रहेगा, वो रख लीजिए साथ में, तो उससे क्या होगा आप यहाँ पर लगा देंगे, ऑन करेंगे और फिर आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि आप कई सारे स्नैक्स रखिए, चॉकलेट हो गया आपका, स्पेशली चॉकलेट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे चॉकलेट से क्या एनर्जी मिलती है आपको, हर थोड़ी देर में आप चॉकलेट खाते रहिए आपको एनर्जी मिलती रहेगी और आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। और पानी की बोतल वहाँ पर साथ रखिए, पानी की बोतल अपनी खुद के रखिए क्योंकि पानी फ्रीज हो जाता है वहाँ पर, तो वो ज़रूरी है दोस्तों। और या आपको जो स्लीपिंग बैग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्लीपिंग बैग नॉर्मली जो ट्रैकिंग वाले होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं हमें, तो हमको वो लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हो गया आपका रेन प्रोटेक्शन गियर, आपके पास जो जैकेट वगैरह है वो तो आपको लेना ही है। अगर आपके पास जैकेट वगैरह वाटर प्रूफ वगैरह नहीं है तो आपको एक रेनकोट आप लेके चले, अगर स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल में क्या होता है कि आपके जो कंधों पर सब जगह पर आपकी स्नो गिर जाती है, उससे फिर क्या होती है धीरे धीरे आपके गर्मी से स्नो मेल्ट होने लग जाती है तो आपका जैकेट वगैरह जो होता है वो पूरा गीला हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जैकेट स्नो प्रूफ या वाटर प्रूफ है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप रेन प्रोटेक्शन गियर आप साथ में लेके चलिए, दोनों के लिए, आपके खुद के लिए भी और आपके बैग के लिए भी, क्योंकि अगर स्नोफॉल हुई आपके ट्रिप की दोस्तों तो डेफिनेटली पानी अंदर जाना ही है, क्योंकि आप स्नो क्या होता है कि हमारे ऊपर जमा होती है, जमा रहती है, हम चल रहे हैं उसके बावजूद भी वो स्नो आपके ऊपर जमा होती रहेगी, आपकी गर्मी से पिघलेगी और फिर आपको कपड़े और बैग गीला कर सकती है। तो ये दोस्तों ये ध्यान रखिए कि साथ में लेके चलिए हमेशा रेन प्रोटेक्शन गियर। नेक्स्ट अगर आपके पास जो टॉयलेट पेपर है वो भी साथ में लेके जाइए, टॉयलेट की आपको जो भी ट्रैकिंग करता है उसे मालूम है टॉयलेट की कैसी वहाँ पर व्यवस्था होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखिए आपको नैपकिन लेके चलिए टॉयलेट पेपर, और आप एक वेट होता वेट नैपकिन पेपर आता है उसको भी लेके चलिए, वो सफाई करने में काम आता है, जो समझदार समझ गया होगा। दोस्तों ये था पूरा केदार घंटा ट्रैक का टिप्स एंड ट्रिक, जो भी आपका पूरा आइटिनरी होता है वो क्या क्या लेके जाना होता है। दोस्तों आपको कुछ भी आपको पूछना हो ट्रैक से रिलेटेड आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब रिप्लाई दूंगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।